नमस्ते दोस्तों, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका ऑनलाइन माली नितिन मल्होत्रा। वेलकम टू ग्रीन डेली टेरेस गार्डन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लैक गोल्ड के बारे में। ब्लैक गोल्ड, गोल्ड का नाम सुनते ही थोड़ा सा सबको गोल्ड अच्छा लगता है। एक गोल्ड वो होता है येलो वाला, जो हम इंसानों को अच्छा लगता है, और एक ब्लैक गोल्ड होता है जो हमारे पौधों के लिए अमृत है। ब्लैक गोल्ड यानी कि खाद। गोल्ड, गोल्ड मेरे हिसाब से मतलब बहुत ही कीमती चीज़ को कहा जाता है। और ये जो खाद है, ये इसको ब्लैक गोल्ड का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली खाद बनती है हमारे पौधों के लिए। इसके अंदर वो सारे गुण अवेलेबल होते हैं जो हमारे प्लांट को चाहिए होते हैं। इसमें कैल्शियम है, पोटेशियम है, इसमें आयरन है, इसमें सब कुछ है, एवरीथिंग, सारे गुण है इस खाद में। दोस्तों, अच्छी खाद होगी तो हमारे प्लांट अच्छे से ग्रो करेंगे, अच्छे से फैलेंगे, अच्छे से फूल देंगे, अच्छे से पत्तियां देंगे। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये खाद प्योर ऑर्गेनिक है, प्योर सेफ़ है। ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए सेफ़ है, हमारे हाथों के लिए सेफ़ है, और हमारे प्लांट्स के लिए तो बहुत सेफ़ है। तो इसको आप ज़रूर बनाइएगा। मैं आपको वीडियो में पूरा बताऊंगा कि ये खाद कैसे बनानी है। वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि एक पार्ट भी अगर आप छोड़ देंगे तो पूरा वीडियो बेकार हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा उन्हें जिन्हें गार्डनिंग का शौक़ है। सब्सक्राइब के साथ साथ दोस्तों, जो बेल आइकन का बटन होता है उसको प्रेस करके ऑल पे कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने ऑलरेडी बनाना शुरू कर दिया है। जब मैंने शुरू में बनाया था तो इसका वीडियो भी मैंने बनाया था, लेकिन वो वीडियो डिलीट हो चुका है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको इस तरीके से बताऊँगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपके सामने एग्जांपल है, इसको बने अभी 20 दिन से मैंने स्टार्ट किया था और ये ऑलमोस्ट काफ़ी डिकम्पोस्ट हो चुका है और धीरे धीरे खाद इसमें बननी स्टार्ट हो गई है। पूरे प्रोसेस में करीबन 2 महीने लगते हैं और 2 महीने के बाद आपकी खाद तैयार हो जाएगी। सबसे पहले आपको चाहिए इस तरीके से कोई बर्तन या कोई बाल्टी ले लीजिए, या ड्रम ले लीजिए, या प्लास्टिक की ड्रम बाल्टी कुछ भी ले सकते हैं आप। और ढक्कन उसमें ज़रूर होना चाहिए ढकने के लिए, और ढक्कन आप कवर तक कर देंगे चारों तरफ से, और उसमें ऊपर आप छेद कर देना। ये मैंने ड्रिल मशीन से छेद कर दिए थे, आप किसी भी तरीके से कील से भी छेद कर सकते हैं। छेद बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो इसके अंदर कीड़े पैदा होते हैं उनको भी जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगी तो मर जाएंगी और आपकी जो प्रॉपर खाद है वो बन नहीं पाएगी। तो इस तरीके से आप छेद इसमें जरूर करिएगा ताकि हवा इसमें बनी रहे। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, सपोज़ कर लीजिए आप पहली बार इसको बना रहे हैं, ये नीचे वाला जो खाद बनी हुई है इसको आप भूल जाइए। सबसे पहली आपने लेयर डालनी है सूखे पत्तों की। देखिए, इस तरीके सूखे पत्ते आपको आपके घर के नीचे पार्क में मिल जाएंगे, सड़क पे मिल जाएंगे। मेरे को तो कहीं भी दिखते हैं तो मैं थैली में डाल के अपने घर में ले आता हूँ क्योंकि ये काम आते रहते हैं। तो पहली लेयर सबसे पहले सूखे पत्तों की, नीम के पत्ते हों तो बहुत बढ़िया है। तो इस तरीके से ये पूरा इसको कवर कर देंगे हम। ये है पहली लेयर हमारी, पत्ते सूखे होने चाहिए दोस्तों। ये डीकम्पोस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, खाद के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मैंने इसमें डाले हैं नीम के पत्ते। अगर आपके पास पत्ते नहीं मिल रहे आपको, तो आप इस तरीके से गत्ते के छोटे छोटे टुकड़े करके भी डाल सकते हैं। गत्ता कोई भी लीजिए, गत्ते में ऊपर प्लास्टिक या लेमिनेशन नहीं होनी चाहिए। इसको छोटे टुकड़े करिए और आप डाल दीजिए, या तो पत्ते डाल दीजिए या आप गत्ते के टुकड़े डाल दीजिए। ये सब डीकम्पोस्ट करने के लिए, खाद के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और ये अच्छे से खाद को डीकम्पोस्ट करते हैं। तो सेकंड लेयर है जी हमारी, ये सब्जियाँ। ये मैंने 3-4 दिन की सब्जियाँ के छिलके ले लिए हैं। आप घर में जो भी प्याज के, टमाटर के छिलके, जो भी छिलके आपके सब्जियों के बचते हैं उनको आप इकट्ठे करते रहिए। एक बार ध्यान देना आपने कि उसमें पकी हुई सब्जी और गुठली, उबली हुई सब्जी, ये सब नहीं होनी चाहिए, बस कच्ची सब्जी के छिलके। अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे इस तरीके से। ये सेकंड लेयर बन गई हमारी। इसको इतना डालना है कि नीचे वाली जो लेयर है वो बिल्कुल छुप जाए, ढक जाए। तीसरी लेयर दोस्तों ये डालनी है हमने, कोई भी पुराना गमले की आपकी मिट्टी पड़ी होती है
उसमें खाद, अगर आपके पास खाद है कोई पहले की, वो खाद मिला के तीसरी लेयर हमारी बनेगी ये वाली। इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो एक खाद बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, दूसरा जो भी सब्जियों की जो स्मेल आएगी वो ये मिट्टी डालने के बाद स्मेल काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो ये तीन लेयर बहुत आसान है, ये चीज़ें तो आपके पास घर में अवेलेबल होती हैं। तो ये तीसरी लेयर हमने बना दी मिट्टी की। इसको अच्छे तरीके से आप डाल देना, इसमें कोई पत्थर वत्थर नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब इसको हम रख देंगे ढककर और दो चार दिन के बाद इसमें आप इसको हिलाते रहेंगे। कोई भी आप लकड़ी का डंडा या किसी भी तरीके से इसको आप अच्छे तरीके से हिलाते रहिए। इस तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से हिला दीजिए। ये दो तीन दिन में एक बार आप इसको हिलाते रहिए। हिलाने से क्या होगा कि सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएंगी। अगर ये बहुत सूखा हो तो इसमें थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर सकते हैं। इसको आपने धूप में नहीं रखना, ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पे छांव आती रहे, छांव हो। अब जब ये पूरा भर जाए दोस्तों, इसी तरीके से लेयर बनाते जाना आपने। अब तीन लेयर के बाद इसमें आप सिर्फ सब्जियाँ डालेंगे, सब्जियों के छिड़के डालते रहिए। और जब ये पूरा ऊपर तक भर जाए, लास्ट में आपने क्या करना है, आधी कटोरी पानी, उसमें दो चम्मच दही, उसको आप अच्छे तरीके से मिला के इसके ऊपर डाल दीजिए। उससे इसमें जो कीड़े हैं वो बहुत जल्दी पैदा होंगे और खाद आपकी बहुत जल्दी बनेगी। इसको आप 10 दिन के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद ये धीरे धीरे नीचे आएगा। नीचे बैठने के बाद दोबारा से आप वही प्रोसेस शुरू करेंगे, इसके अंदर पहले गत्ता या सूखे पत्ते, फिर सब्जियाँ, फिर मिट्टी। मिट्टी डालने के बाद सिर्फ सब्जियाँ डालते रहिए अंदर। और सेकेंड लेयर जब सेकेंड टाइम ये ऊपर भर जाएगा, लास्ट में आपने क्या करना है, एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और वही आधी कटोरी पानी, दो चम्मच दही उसमें मिलाकर इसमें अच्छी तरीके से डाल के इसको फिर आप रख देंगे ऐसी जगह पे जहाँ पे डायरेक्ट धूप इसके ऊपर पड़े। फिर आप इसको हिलाना नहीं है, ये खाद अपने आप धीरे धीरे डीकम्पोस्ट ये सारा सामान होता रहेगा और ये दो महीने में आपकी खाद रेडी हो जाएगी। देखिए इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, छोटे छोटे आपको कीड़े नज़र आ रहे होंगे चलते हुए, छोटे छोटे से कीड़े। एक मिनट, ये देखिए ये वर्म्स हैं, ये देखिए ये हिल रहा है, ठीक है। इनसे आप डरना नहीं, इनसे आप घबराना नहीं। ये देखिए ये इसके अंदर ही होते हैं और इसके मर जाते हैं। बातें ऐसी हैं जो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। एक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, आपको पौधों से प्यार आते हैं, उस खाद को घर में ज़रूर बनाइएगा। बनाने से पहले कुछ बातें, वो ये कि जब ये खाद बनाते हैं तो इसको घर के अंदर बिल्कुल नहीं बनाना, इसको आप छत पे बनाइए रखिएगा इस ड्रम को, या अपनी बालकोनी में, क्योंकि इसके अंदर जो स्मेल आती है वो बहुत ही ज़्यादा गंदी आती है। ये मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ। और इसके अंदर से कुछ कीड़े पैदा होते हैं जो हमारी खाद को बनाते हैं, वो कीड़े घर में कभी कभार बाहर भी आ जाते हैं घर में ना, इसलिए छत तो अच्छा रहता है, वैसे वो नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। तो दो चीज़ ये कि इसको बाहर बनाना है। पहली बार ही हो सकता है कि आप जब भी खाद बनाते हैं तो को लगे, ये गंदा लगे कि हम क्या बना। जब पहली बार मैंने बनाई थी तो एक बार तो मैंने बीच में इस प्रोसेस को रोक दिया था, थोड़ा मुझे इरिटेशन लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, स्मेल गंदी लग रही थी, इरिटेशन सी हो रही थी मेरे को। लेकिन बाद में जब मैंने इसकी खूबियों के बारे में जाना तो मैंने दोबारा कोशिश की। अब करीबन 3 साल हो गए हैं मैं अपने घर में ही खाद बनाता हूँ, मैं बाज़ार से खाद लेकर नहीं आता हूँ। ये खाद बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली खाद है, इसको आप ज़रूर बनाइए। अब इसने आप, जैसे मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया, इसको आप रखिए, दो महीने में बिल्कुल ये जो खाद है पाउडर के रूप में तैयार हो जाएगी, स्मेल इसमें अंदर बिल्कुल भी नहीं रहेगी। वैसे भी जब भी आप मिट्टी डालते हो ना इसके ऊपर लास्ट में, तो स्मेल चली जाती है, ऑलमोस्ट स्मेल थोड़ी बहुत रह जाती है, ज़्यादा स्मेल नहीं रहती है। तो दोस्तों ये था वीडियो आज का, ब्लैक गोल्ड यानी कि घर का खाद, पौधों के लिए खाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। शेयर करिएगा उन्हें जो गार्डनिंग का शौक़ है। और दोस्तों
दोस्तों हमारी छोटी सी YouTube की फैमिली है, इसमें आप सब्सक्राइब करके शामिल हो जाइए, अपने सुझाव जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।